आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए आज फिर आपको ले चलते हैं दीवान शाह, लेकिन दीवान शाह का मेला दिखाने के लिए नहीं बल्कि दीवान शाह में गैर कानूनी बिल्डिंग बन रही है उसे दिखाने के लिए। जी हाँ, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोतवाल शाह दरगाह के पीछे घर नंबर 434 जो न्यू गौरीपाड़ा पड़ता है, प्रभाग समिति 4 में आता है, ये गैरकानूनी तरीके पर बनाई गई ये बिल्डिंग है। भिवंडी के दीवान शाह की जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा करके इस पर गैरकानूनी तरीके से बिल्डिंग तैयार की गई है। जाहिर सी बात है, जब कब्जा गैरकानूनी है तो बिल्डिंग भी गैरकानूनी ही होगी। जबकि इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत की गई है, जब से इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत की गई है तब से ही ये विवादों में है, लेकिन पता नहीं कहां कौन कमजोर पड़ रहा है कि इस कोतवाल शाह के पीछे बनने वाली बिल्डिंग पर अब तक कोई कड़क कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि इस बिल्डिंग की खिड़की पर महानगर पालिका ने आवाम को चेतावनी देते हुए एक बोर्ड भी लगाया था कि कोई भी शख्स पूरी छानबीन किए बगैर इस बिल्डिंग में कोई भी मकान ना खरीदे, मगर इसके बावजूद भी हद हो गई। हद तो ये हो गई कि बिल्डिंग के खिड़की पर लगाए गए बोर्ड को ही जला दिया गया और जलाकर उसे फेंक दिया गया और सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया। अलबत्ता इस बिल्डिंग को जमीन दोष करने की बात कही जा रही है, क्योंकि मनपा कई बार इन्हें नोटिस दे चुकी है, इस पर MRTP भी हो चुकी है। अब मनपा सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और उसका उल्लंघन करने पर भी गुनाह दाखिल करने के मूड में है।